Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए Colt OS ROM का 13.2.5 का न्यू अपडेट आया हुआ है। 13.2 का ऑलरेडी रिव्यू कर रखा हूँ, आई बटन पे मिल जाएगा। 13.2.5 यानी कि इस अपडेट के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। Colt OS ROM का ये 13.2.5 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 अपडेट है। सिक्योरिटी पे सेम मे का ही मिलता है, कर्नल वेंटम कर्नल ही है बट अपडेटेड है ये पिछले वाले से, और सेलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट की, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ये पूरा आपका सेम रहेगा, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी हमारा जो कास्ट है बिल्कुल वर्किंग है। एंड कोल्ड इनिग्मा जो यहाँ पे दिया गया था इसके स्टेटस बार में बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्विक सेटिंग्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि QS डुअल टोन आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर, जो कि QS के लिए आपको मिलेगा। एंड इसके अंदर ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल जो है 3 से 4, पहले यहाँ पे बैंक तक जो है दिया गया, बैंक वहाँ तक मिलता था, लेकिन उसके नीचे जितने भी मिल रहे हैं सभी यहाँ पे स्लाइडर जो कि ब्राइटनेस स्लाइडर है न्यू है। अब यहाँ पे चलते हैं इसके बटन की तरफ, तो बटन में कोई चेंज नहीं। नेविगेशन बार ये जो है पूरा का पूरा हमारा सेम रहने वाला है, इसके अंदर इस अपडेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और पावर मेन्यू ऐसे भी आपका ये जो है सेम ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है। जेस्चर के अंदर भी वैसे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट में भी डिलीट का मिलता है पहले जैसा, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ इस अपडेट में। लॉक्सिन के अंदर यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है। अमिन डिकोर ये भी हालांकि हमें सेम मिलता है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं मिला है। एनिमेशन के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। नोटिफिकेशन में किल ऐप बटन का ऑप्शन न्यू देखने को मिलेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है। कॉल डेकोरेशन के अंदर में यहाँ पे जो है सेटिंग डिजाइन जो है पहले से ही था, पिछले में ही बताया था। वाईफाई आइकन्स में यहाँ पे लास्ट के दोनों स्टाइल जो है इसके अंदर न्यू ऐड हुए हैं। सिग्नल आइकन स्टाइल में भी लास्ट के दोनों ही स्टाइल यहाँ पे न्यू ऐड हुए हैं। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर जो है वॉल्यूम स्टाइल सेम है, बट यहाँ पे आइकन शेप के अंदर स्क्रॉल का जो दिया गया है यहाँ पे ये आपको न्यू देखने को मिल जाएगा, और कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। एंड मिसलेनियस के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको पूरा सेम टू सेम देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। और डिस्प्ले के अंदर लॉक्सिन में हालांकि हमें कोई चेंज नहीं मिलता है, और बाहर देखोगे तो ये भी जो है पूरा का पूरा सेम रहेगा। वॉलपेपर स्टाइल इसमें भी इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, पूरा सेम है। यहाँ पे जो है थीम आइकन ही आपको मिलता है इसके साथ में ही, वॉलपेपर जो यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। और ऐप्स के अंदर में भी यहाँ पे असिस्टेंट हमारा वर्किंग है, बिल्कुल काम कर रहा है, बट इसके लॉन्चर के अंदर में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, ये पूरा जो है सेम है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन सेम रहेगा। बैटरी की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे लास्ट में स्मार्ट चार्जिंग था जो कि रिमूव हो गया इस अपडेट के अंदर में, बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में ये भी जो है पूरी तरीके से सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर में। सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी वैसे कोई चेंज आपको देखने को मिलता नहीं, लेकिन एक ऑप्शन आपको न्यू मिलेगा, वैसे तो ये इनक्रिप्टेड है, डिक्रिप्ट करके यूज़ करूँ, बट यहाँ पे हाइड डेवलपर स्टेटस जो है ये न्यू देखने को इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ से हाइड अप कर पाओगे डेवलपर स्टेटस को। और यहाँ पे जो हमारा फिंगरप्रिंट है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो फेस अनलॉक है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इनको लेकर दिक्कत हालांकि ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज यहाँ पे था। और फिर नीचे यहाँ पे डिजिटल बल्बिंग ये सब आपको मिलेगा ही, एंड सिस्टम के अंदर में आपका यहाँ पे अपडेटर हो गया, और यहीं पे नीचे जो है स्विच पार्ट्स देखने को मिल जाता है, इन सबको लेकर दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल काम कर रहा है। हाइड नो चॉइस डेवलपर ऑप्शन में मिल जाएगा। एंड QS पैनल के अंदर लैग अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है पहले की तरह, खासकर स्क्रोलिंग में आप स्लो स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कितना हैवी जो है लैग इसके अंदर करता हुआ, फास्ट स्क्रॉल करने में कुछ खास फर्क यानी कि नहीं पड़ता, लेकिन स्लो में ज़रूर यहाँ पर लैग होता है डिफॉल्ट के साथ में। बाकी कोई टाइल्स न्यू है नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी जो आपको टाइल्स मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है सेटिंग्स सेम रहेगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में थोड़ा सा लैग यहाँ पे करता है जैसे कि पहले कर रहा था, तो इनमें कहीं पे भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। QS पैनल के अंदर जो पिछले में था वही अभी भी मिलता है। वॉल्यूम पैनल हालांकि सेम ही है। ऐप ओपनिंग की बात करते हैं तो ऐप ओपनिंग हालांकि ठीक है, ऐप ओपनिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, स्मूथ रहता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में तो कैमरा भी चेंज हुआ है, अब यहाँ पे MIUI का नॉर्मल कैमरा आपको मिलेगा, 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब आप कर पाओगे, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछले में जो है MIUI का लाइका कैमरा ऐड किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे MIUI का नॉर्मल वाला है। GCam मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, यूज़ कर लेना, काम कर रहा है, डॉल्बी एटमॉस वर्किंग है, Wideband L1 का सपोर्ट मिल जाता है, FM बिल्कुल काम कर रहा है इसके अंदर में, और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड ही आता है, तो सेफ्टी नेट भी पास है, और बैंकिंग ऐप भी आराम से आप यूज़ यहाँ पे कर पाओगे, इसको लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलिंग के अंदर में यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉल फिक्स हो चुका है, पिछले में काम नहीं कर रहा था बट अभी बिल्कुल काम कर रहा है। एंड वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी वर्किंग ही है,
कॉल रिकॉर्डिंग से अभी भी जो है यहाँ पे अलर्ट हो जाता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और बैटरी की बात करें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है। पिछले में सेम यूजर्स पे 88% था, यानी कि ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा पिछले। और इसमें 66% चार्ज होने में करीब 1 आवर 13 मिनट का टाइम इसके अंदर लगा है। और बैटरी ड्रेनिंग की बात करते हैं तो 67% नाइट में था और मॉर्निंग में भी सेम ही देखने को मिला, तो कोई भी मुझे यहाँ पे ड्रेन देखने को नहीं मिला इसके अंदर। एंटूटू स्कोर इस बार जो है यहाँ पे 4,04,000 मिला है, क्योंकि अब लेटेस्ट ऐप यूज़ किया उस पर 1 लाख के करीब प्लस ही देखने को स्कोर मिलता है। पिछले में 3,28,000 जो है देखने को मिला था। और अब बात करें यहाँ पे सीपीयू थ्रोलेट के बारे में, तो यहाँ पे 94% इस बार मिला। और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 1,37,000 है, एवरेज स्कोर 1,32,000 मिला है। पिछला सीपीयू थ्रोलेट 87% था और उसका जो जीप स्कोर था मैक्स पे 1,51,000 था, एवरेज स्कोर 1,34,000 था। गीगबेंच स्कोर में सिंगल में इस बार हमें 736 मिला है और मल्टी के अंदर 1789 मिला है। पिछला गीगबेंच स्कोर जो सिंगल पे था 668 था और मल्टी के अंदर 1670 था। अब यहाँ पे जो है इस अपडेट के अंदर यहाँ पे जो है गेम स्पेस तो ये सब आपका सेम है, बट यहाँ पे जो है इस बार जो है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे जो है यहाँ पे बीजमाई की तरफ से कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि दूसरे डिवाइस या दूसरे रोम पे भी ट्राई करके देख लिया, सेम प्रॉब्लम जो है नेटवर्क वाला यहाँ पे आ रहा था बीजमाई के अंदर में। इसलिए यहाँ पे गेम प्ले इस बार मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है बीजमाई की तरफ से कुछ इशू था इसलिए इस बार नहीं दिखा। अगली बार आपको गेम प्ले दिखा दूंगा, पिछली बार जैसे बताया था उसी टाइप से वैसे गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो है गेम प्ले आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये जो है ओपन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क इशू दिखा रहा था, बार बार ट्राई करने पर जो है कुछ मिनट के लिए बैन कर दे रहा था, तो ये प्रॉब्लम था, तो इसलिए जो है यहाँ पे गेम प्ले नहीं दिखाने वाला। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।